आज का जो वीडियो का टॉपिक है मेरे पास आया है यामा कंपनी का FZ और BS6 बाइक, इसमें डिस्क ब्रेक का प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ जिसमें कि आप लोग कुछ काम आ जाए। तो गाइस यहाँ देखिए, लाइए इस बाइक में डिस्क ब्रेक हम लोगों का जैसे कि रिटर्न नहीं दे रहा है, देखिए मार रहा हूँ, ये एकदम हम लोग का खेल रहा है और ये कटंग कटंग नहीं कर रहा है, तो इसके लिए प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, जैसे कि पीछे का लाइट जो है वो हम लोग का जल के रह जाता है और व्हील भी जाम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए गाइस, देखिए व्हील हम लोग का फ्री नहीं है, क्यों नहीं है, जो हम लोग का पिस्टन है वो नहीं खेल रहा है, देखिए देखिए नहीं खेल रहा है, द व्हील जाम है। तो ऐसा रीजन अगर हो तो बाइक में परफॉर्मेंस बेहतर नहीं देगा और इंजन ओवरहीट भी हो जाएगा। तो आज हम आपको बताएंगे अगर ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है जिसमें कि आप लोगों का पिस्टन हम लोगों का नहीं खेल रहा है, ब्रेक लीवर नहीं खेल रहा है, तो क्या हम लोग करें जिसमें कि सही हो जाए। तो गाइस चलिए वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले हम बताते हैं वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए नाट को खोलते हैं और खोलने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ जो हम लोगों को क्या करना है। ऐसा रीजन अगर हो तो हम लोगों को ऊपर ही खोलना है, नीचे नहीं खोलना है, तभी हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो गाइस ये हमने लीवर खोल लिया है, पिस्टन हम लोगों का नहीं खेल रहा है और हाथ से लाएंगे तो कितना आया, देखो आ चुकी है और गया तो नहीं आ रहा है। तो चलो रीजन क्या है इसको खोलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। नट बोल्ट आप लोगों को खोल के दिखाया, अरे यार सोझा ला, उल्टा ला लिया, सोझा ला, ये लॉक प्लस उल्टा है, हम लोगों को जैसे कि सीधा प्लस ज़रूरत होता है। तो गाइस इस तरह से आप लोगों को लेना पड़ेगा एक लॉक प्लस, तभी आप लोगों का काम बनेगा। तो चलिए मैं खोलता हूँ और चाप चाप के खोलना पड़ेगा। लॉक हम लोगों का खुल चुकी है गाइस, ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे पिस्टन को। बहुत ही जाम है, अरे बाबा बहुत जाम है भाई, क्या करें, नहीं आ रहा है, दूसरा प्लस दे, बस। तो गाइस ये हम लोगों का जो मेजर किट है ये हम लोगों का ख़राब हो चुकी है, इसका कारण ऐसा हो रहा है। देखिए ये हम लोगों का जो मेजर किट है पूरा संपर्क में आ रहा है, बॉडी का साथ हम लोगों का टचिंग हो रहा है थोड़ा, और जो हम लोगों का ओरिंग है रबार है ये हम लोगों का फूल चुकी है और इसका कारण हम लोगों का पिस्टन ठीक से आया जाया नहीं कर रहा है। चलिए आप लोगों को दिखाते हूँ आप इसको क्या करें, या चलेगा या नया लगाना पड़ेगा। तो गाइस ये हरगिज़ भी नहीं चलेगा, हम लोगों को नया डालना पड़ेगा। तो चलो मार्केट से लाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ ब्रेक वाइल जो है बिल्डिंग पर और सब हम इसे निकाले क्योंकि नया डालेंगे और जिसमें कि सफाई करेंगे, थोड़ा सफाई करने के बाद हम लोग वॉश करेंगे और फिटिंग करेंगे। तो सो गाइस देखिए यामा कंपनी का जेनुइन है और 532 रुपये इसका कीमत है। तो चलिए इसको हम लोग जैसे कि खोलेंगे और इसके साथ क्या क्या दिया गया है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। गाइस इसमें हम लोगों को देखने को मिल रहा है, देखिए ये हम लोगों का जो मेजर किट का जो एल्यूमिनियम का चैम्बर है और ये हम लोगों का ओरिंग है और एक ओरिंग और भी है, भूख चुकी है। गाइस ये दोनों ओरिंग हम लोगों का ख़राब हो जाता है, ये क्या होता है वायल का साथ थोड़ा जैसे कि हम लोगों का फूल जाता है। तो चलिए हम लोग इंस्टॉल करेंगे और आप लोगों को दिखाते हैं। ये बड़ा वाला जो ओरिंग है हम लोग को इस चीज से भरना पड़ेगा, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ले जाना पड़ेगा, अगर ओरिंग ख़राब हो जाएगा तो आप लोगों का 500 रुपये पानी में गिर जाएगा, ठीक है, बड़ी समझदारी से काम करना पड़ेगा। गाइस आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने यहाँ से जिसमें कि यहाँ अटैच किया और यह फिटिंग हो चुकी है और ये वर्क करेगा। अब इसको लगाएंगे तो इसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, ये फट करके फिटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ ग्रीस ट्रीज कुछ भी मत दीजिए क्योंकि अगर देने से और भी हम लोगों का दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा जो जल जाएगा। तो चलिए हमारा फिटिंग हो चुकी है, अब हम लोग जिसमें कि इसको लुब्रिकेंट करेंगे। तो लुब्रिकेंट क्या से करें, तो गाइस यहाँ जो हम लोग का ब्रेक ऑयल दिया गया है इसी से हम लोग लुब्रिकेंट करेंगे और ब्रेक ऑयल से लुब्रिकेंट करना हम लोग का बेहतर होता है, ठीक है। तो चलिए ब्रेक ऑयल से हम लोग लुब्रिकेंट कर लेते हैं, बस। चलिए अब आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ, कंप्रेसर कैसे लाया है। थोड़ा ऑयल देना पड़ेगा यहाँ, वो पकड़ो। तो गाइस यहाँ हमने सफाई कर लिया है, अब इसको जैसे कि यहाँ पिस्टन को भरा है और चलो ऑयल डालो।
चाप चाप के डालो, थोड़ा पिस्टन को हम लोग जैसे कि खींचेंगे और बाहर करेंगे, जैसे अंदर अंदर करेंगे और बाहर करेंगे, जिसमें कि हम लोग का कंप्रेसर सही से बन जाए। अरे डालना रे, हाँ बस बाद में देंगे, ठीक है। तो चलो कंप्रेसर पहले हम लगा लेते हैं। हाँ ऐसे ऐसे करके उंगली से हम लोग जैसे कि खींचेंगे, और ये हम लोग का अभी काम कर रहा है, पिस्टन भी हम लोग का जैसे कि खेल रहा है। तो चलो कंप्रेसर आ चुकी है, अब लॉक लगाएंगे। बस तो गाइस यहाँ हम लोगों का पिस्टल लग चुकी है। अब देखो कैसा खेल रहा है, देखो देखो टकाटक हम लोगों का एकदम काम कर रहा है। तो चलिए इसको हम लोग जैसे कि रबार को फिट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी चल जाएगा तो भी दिक्कत होगा। तो ये रबार हमने लगा दिया है। अब लिवर लगाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाइक में ब्रेक हम लोगों का सही से काम कर रहा है कि नहीं, वर्क कर रहा है कि नहीं। बस अब आप लोगों को दिखाता हूँ ब्रेक हम लोगों का कैसा काम कर रहा है। तो गाइस यहाँ देखिए, ब्रेक मारा और रिटर्न चला गया, देखो प्ले भी नहीं है। इसमें हम लोगों का जो ब्रेक है सिस्टम एकदम बेहतर परफॉर्मेंस देगा, और ये हम लोगों का काम कर रहा है, देखो टकाटक काम कर रहा है इधर देखो। और व्हील भी आप लोगों को दिखाता हूँ, जो व्हील हम लोगों का फ्री हुआ है कि नहीं। तो गाइस देखिए व्हील भी हम लोगों का एकदम फ्री हो चुकी है। देखिए ब्रेक मार रहा हूँ, बंद हो गया, और व्हील देखो हम लोगों का एकदम फ्री हो चुकी है गाइस देखो। तो 500 रुपया लगा हम लोगों को डिस्क ब्रेक का काम करने में, और 40 रुपये ब्रेक वाइल का, ब्रेक वाइल दीजिए। और बस थोड़ा खाली रखेंगे, क्योंकि अगर ये रबर डालेंगे तो पूरा जैसे कि निकल के आएगा। तो चलो बस नट लगा दो, इसको पकड़ो और इसको ड्राइवर दीजिए। बस तो गाइस ब्रेक हम लोगों का सही बन चुकी है। तो आप लोगों को बताया, जो ब्रेक का लिवर जो है वो अगर हम लोग को रिटर्न ना दे तो क्या चेंज करना पड़ता है और कैसे ठीक करें। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, मेजर किट चेंज किया। अगर आपका डिस व्हील जाम कर रहा है और ब्रेक हम लोग का रिटर्न ठीक दे रहा है, तो ऊपर हम लोग को फिर नहीं खोलना है, जैसे कि नीचे खोलना है कैलिपर के अंदर। तो कैलिपर के अंदर होता है 4 वरिंग होता है, 4 वरिंग अगर फूल जाता है तो पिस्टन हम लोग का जैसे कि रिटर्न नहीं करेगा, और जितना भी हम लोग खर्चा कर दे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो उसके लिए रिटर्न वरिंग चेंज करना पड़ेगा, और फिर हम लोग का डिस्क ब्रेक सही हो जाए। तो फिलहाल इस बाइक में प्रॉब्लम था, हम लोगों का मास्टर पंप में जो मेजर किट होता है ये ख़राब हुआ था, कैलिपर हम लोगों का एकदम बिल्कुल सही था। तो डिस्क का काम जैसे कि 2 जगह में हमें करना पड़ता है, एक जैसे कि मेजर किट में और एक जैसे कि कैलिपर में। तो फिलहाल इस बाइक का कैलिपर बिल्कुल सही था, और मेजर किट जो है मास्टर सिलेंडर जो है पंप है वो ख़राब हो गया था। तो गाइस यही था वीडियो, वीडियो बनाने का मकसद जिसमें कि आप लोगों को कुछ अलग सीखने को मिले। तो मैंने आपको बताया, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।